गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हम लोभी ग्वाला के पार्ट दस में लोभी ग्वाला के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा ये चैप्टर हम आपको रीड करा चुके हैं लाइव क्लास में भी, और आपको समझाया भी था कि लोभी ग्वाला में किसकी कहानी के बारे में बताया गया है और क्या समझाया गया कि किस प्रकार से इंसान को लालच हमेशा पूरे रास्ते पर चलने के लिए विवश कर देता है, मजबूर कर देता है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। क्यों, यहाँ पर देखिए स्टोरी में क्या बताया गया था कि एक ग्वाला था जो बहुत ही ज़्यादा निर्धन था, और उसे अधिक से अधिक धनवान बनने के लिए वो क्या करता था, वो दूध में पानी मिला के बेचता था। ये बात परी को नहीं पसंद आई, परी ने उसे क्या किया, उपहार दिया, और उपहार में उसे रहने के लिए घर और गौशाला ये सारी चीज़ें उसने उसे दी कि वो अच्छे से जीवन यापन कर सके। लेकिन फिर भी उसके अंदर का लालच कहीं ना कहीं बना रहा और उसने उसी लालच के कारण अपना सब कुछ खो दिया। तो बेटा इस पार्ट में हमने आपको ये कहानी पहले समझा चुके, तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको इसका वर्क सेंड कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों का वर्क मिस हो जाता है, तो इस वजह से उन्हें नहीं समझ में आता है पिक्चर से। तो चलिए एक बार हम आपको इसको लाइव में वो कर देते हैं। तो देखिए बेटा ये आपके क्या है, कठिन शब्द। कठिन शब्द में आपका पहला है ग्वाला, भाग, धन, दूध, अतिरिक्त, सुंदर, छड़ी, घबराया, लोभवश, क्षेत्र, निर्धन, आवश्यकता, छप्पर, पूर्ति, मग्न, अदृश्य। तो किसी भी पार्ट को हम आगे कार्य करने से पहले हम सबसे पहले उस पार्ट के जो हार्ड वर्ड होते हैं, जो कठिन शब्द होते हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। तो कठिन शब्द हमारे ये हो गए। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, कठिन शब्दों के बाद आते हैं हमारे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ बेटा ये बात आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। शब्दार्थ चले लिख लेते हैं। शब्दार्थ हमारा है पहला शब्द है आपका लोभी। लोभी का अर्थ क्या होता है, लोभी का अर्थ होता है लालची। फिर दूसरा है आपका निर्धन। निर्धन का अर्थ क्या होगा आपका, गरीब। फिर तीसरा है प्रसन्न। प्रसन्न का अर्थ क्या होगा, खुश। फिर है चिंतित। चिंतित का अर्थ क्या होगा, सोच में पड़ा हुआ। चिंतित का अर्थ क्या होगा, सोच में पड़ा हुआ। फिर है आपका क्रोधित। क्रोधित का अर्थ होता है नाराज। क्रोधित का अर्थ क्या होगा, नाराज। फिर आपका है संतुष्ट। संतुष्ट का अर्थ होगा आपका तृप्त। फिर सबसे आखिरी में है आपका अदृश्य। अदृश्य का अर्थ होगा आपका गायब। तो ये सारे शब्दार्थ सबसे पहले आप किसी भी पाठ को करने से पहले, इस कार्य को करने से पूर्व आपको क्या करना है, डेट डालनी है। डेट डालने के बाद पार्ट लेसन नंबर यानी पार्ट 10, लेसन नेम लोभी ग्वाला, फिर एक पेज पे आप कठिन शब्द करेंगे, फिर अगले पेज पर शब्द अर्थ करेंगे। इसके बाद आती है बारी क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। तो इस वर्क को हम रफ कर दे रहे हैं और आपके क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं कि कैसे इसको आपको करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, केवल आंसर लिखूंगी, और क्वेश्चन मैं केवल रीड कर रही हूँ, आप बुक से क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, गोपी दूध में पानी क्यों मिलाता था। क्या है प्रश्न आपका, चलिए लिख देती हूँ तो आपको पढ़ना कर दूंगी। पहला है प्रश्न आपका, गोपी दूध में पानी क्यों मिलाता था। तो गोपी दूध में पानी क्यों मिलाता था, अधिक धन कमाने के लिए। गोपी दूध में पानी क्यों मिलाता था, अधिक धन कमाने के लिए। तो उत्तर क्या लिखेंगे,
अधिक धन कमाने के लिए मिलाता था। अब बेटा एक हमने आपको क्वेश्चन लिख के दिखा दिया, अभी आगे के क्वेश्चन हम नहीं लिखते हैं, केवल आंसर आंसर लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, परी ने गोपी को क्या क्या दिया? तो उत्तर क्या लिखेंगे, परी ने गोपी को क्या दिया? उत्तर नंबर दो, परी ने गोपी को क्या दिया? परी ने गोपी को रहने के लिए पक्का घर दिया। फिर आपका अगला प्रश्न है, गोपी ने परी को क्या ना करने का वचन दिया? गोपी ने परी को क्या ना करने का वचन दिया? ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, गोपी ने परी को करने का वचन दिया। अगला प्रश्न है, परी को वचन देने के बाद भी गोपी ने दूध में पानी क्यों मिलाया? ये आपका आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। इसका उत्तर है, प्रश्न एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, परी को वचन देने के बाद भी गोपी ने दूध में पानी क्यों मिलाया? तो उत्तर लिखेंगे, परी को वचन देने के बाद भी परी को वचन देने के बाद भी गोपी ने मिलाया। तो ये हो गया आपका 4 प्रश्नों के उत्तर। ये सारा कार्य फर्क आपको हिंदी की कॉपी में करना है, ठीक है क्लास? ओके, थैंक यू।